हेलो, नमस्ते ऑल ऑफ यू। चलिए, अब इनर ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है, स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म, उसके बारे में हम बात करते हैं। वे ऑफ लाइफ, जीने का जरिया क्या होना चाहिए, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं क्या हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, या हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसके शब्द में बहुत गहराई है और हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक कनेक्शन है और भी हायर चीज से कनेक्ट होने का, और भी बड़ी चीज से, समथिंग बिगर देन आसेल्स, अपने आप के अलावा जो और बड़ा है कुछ, उससे कनेक्ट होने का। एंड कुछ लोग इसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इस मार्ग पे चलता है, अध्यात्म के मार्ग पे, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे, वो एक फीलिंग ऑफ वननेस महसूस करता है और अपने आप को टच्ड फील करता है। टच्ड मीन्स उसको लगता है कि सही में किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे अपनाया है, मेरा ध्यान रखा है। अब बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है लोगों में। लेट्स से मैंने अगर बोला कि मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करती हूँ या मैं स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रही हूँ, तो लोग सोचेंगे ये तो कोई कोई धर्म को अपना रही है। बट इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर है कि धर्म यानी कि रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म में बहुत ज्यादा फर्क है और दोनों इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो रिलीजन क्या है, चलिए पहले समझते हैं। हम बोलते हैं ना कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो रिलीजन क्या है, रिलीजन क्या होता है, या रिलीजन एक्चुअली ये रिलीजन है और ये स्पिरिचुअलिटी, ये हम कैसे समझेंगे। रिलीजन जो हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि क्या रिचुअल्स हैं, कैसे पूजा करनी है, कैसे आरती करनी है, कैसे ग्रंथों को पढ़ना है, कैसे कुरान को पढ़ना है, कैसे हमें नमाज पढ़नी है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या ये सच है क्या ये झूठ है, क्या सही में राम जी आए थे, क्या सही में लॉर्ड जीसस आए थे, ये सब हमें समझना है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है, इसका हमें मतलब कहाँ मिलेगा कि अध्यात्म होता क्या है, इसको कैसे हम कर सकते हैं, इससे कैसे हम कनेक्टेड फील कर सकते हैं, क्या हम इससे कनेक्टेड फील कर सकते हैं, एंड हाउ शुड आई लिव इट, और मुझे ये कैसे अपने जीवन में उतारना है। और अगर अब हम दोनों का तालमेल देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, ये एक बिलीफ है, यानी कि हमारा एक विश्वास है। हम इसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमें देखना है, हमें सोचना है। रिफ्लेक्शन करना मीन्स हमें सोचना है अंदर ही अंदर, क्या जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यूज, जो हम सीख रहे हैं, जो हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी कितनी वैल्यू है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए नहीं, खुद के लिए कितनी वैल्यू है। सो ये चीजों का क्लैरिटी होना कुछ हद तक हमें बहुत हेल्प करेगा हमारी सोच को, जिसको बोलते हैं ना, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ये बहुत पेसिमिस्टिक है, ये बहुत इंट्रोवर्ड है, एक्सट्रोवर्ड है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ये खाली शब्द नहीं है, ये इन शब्दों का जो मतलब है वो बहुत मैटर करता है लाइफ में। तो हमें ओपन विचारों के साथ, यानी कि खुले विचारों के साथ, हमें इसके ऊपर चिंतन करना है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे SQ यानी कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये पूरा ब्रेन है हमारा ब्लू कलर का, और जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वो रेड कलर का, वो है IQ ब्रेन। IQ मीन्स इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, तर्क वितर्क करने की क्षमता। और राइट हैंड साइड में जो ग्रीन कलर है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक, भावनात्मक ब्रेन, यानी कि इस ब्रेन से हम क्या प्रोसेस करते हैं, राइट ब्रेन से भावनाओं को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, और लेफ्ट ब्रेन से हम तर्क वितर्क की कैपेसिटी रखते हैं। तर्क वितर्क यानी कि लॉजिकल ब्रेन भी बोलते हैं इसको, कि क्या ये सही है, अगर सही है तो इसको करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, अगर बेनिफिट होगा तो कितना बेनिफिट होगा, और क्या मुझे लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, आप एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन जब भावनात्मक ब्रेन की बात, यानी इमोशनल ब्रेन की बात होती है, तब वहां पे कोई तर्क वितर्क नहीं होता, मुझे इसकी मदद करनी है, हाँ करनी है, चलो करते हैं, बस वहां खत्म हो जाता है। बट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि दोनों का बैलेंस, एक तराजू में अगर हम तराजू लेंगे तो उसके दो पलड़े होते हैं, और आप देखेंगे तो दोनों में से कोई ना कोई ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सही मायने में दोनों को अगर हम बैलेंस करते हैं, तभी हम सब्जी लेते हैं ना, तोलते हैं 1 किलो आलू,
तो 1 किलो का वजन यहाँ रखा रहता है और आलू यहाँ होते हैं, और हम दोनों को बैलेंस करते फिर बोलते हैं कि हाँ इसका तोल सही है। वैसे ही हमारा IQ और हमारा EQ अगर बैलेंस होता है तो हमारा स्पिरिचुअल ब्रेन और अच्छे से ग्रो करता है। ओके, नाउ द सिंक्रनाइजिंग प्रोसेस इज, पूरे ब्रेन को सिंक्रनाइज करना स्पिरिचुअल ब्रेन का काम होता है। पूरे ब्रेन को सिंक्रनाइज करना स्पिरिचुअल ब्रेन का काम होता है। अब एक स्पिरिचुअल पर्सन की, यानी कि जो इंसान अध्यात्म के मार्ग पे चल रहा है, उसकी क्या क्वालिटीज हो सकती हैं? बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी, यानी कि उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है खुद को और दूसरों को प्यार करना, खुद की और दूसरों की मदद करना, खुद की और दूसरों की परवाह करना। वो केयर करता है किसकी? लोगों की, खुद की, जानवरों की, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, सबकी केयर करता है। इनफैक्ट ये तो लिविंग बींग्स है। सोलर सिस्टम हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, क्या वो एग्जिस्ट करता है? पता नहीं, पढ़ा तो है, करता भी होगा, ठीक है, लेकिन क्या हम उसकी परवाह करते हैं? या क्या हम सिर्फ अपने जीवन को जी रहे हैं? लेकिन एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला इंसान सूरज और चांद की भी परवाह करता है, सोलर सिस्टम की भी परवाह करता है। फनी लग रहा है क्या सुनने में? बट दिस इज द ट्रुथ, यही सच्चाई है। अ स्पिरिचुअल पर्सन नोज दैट वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं। एंड ऑफ द डे हम सब एक हैं, ठीक है। और हम कॉन्शियसली, अगर हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, माने हमारे अंदर चेतना है या नहीं है इस चीज की, हम जाने अनजाने में भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अ स्पिरिचुअल पर्सन इज अ काइंड पर्सन। काइंड पर्सन मीन्स उसमें दयालुता होती है, उसमें कंपैशन होता है, मर्सी होती है, दया भावना होती है। और वो बहुत, वही सबसे बड़ा साइन है एक स्पिरिचुअल पर्सन का, कि उसको दूसरों के दुख में दुख का एहसास होता है और दूसरों की खुशी में खुशी का एहसास होता है। ओके, नाउ अब मैं कैसे डिसाइड करूंगी, हाउ डू आई फाइंड कि मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं, और अगर नहीं है तो मैं कैसे उसको डेवलप कर सकती हूँ, और अगर है तो मैं कैसे उसको और बिल्ड कर सकती हूँ, कैसे मैं और ग्रो कर सकती हूँ? क्योंकि अगर हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमें यहाँ से ऊपर जाना है, हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, ना ही हमें यहाँ से नीचे जाना है। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेरा इंटेंशन क्या है। इंटेंशन टुवर्ड्स व्हाट? इंटेंशन टुवर्ड्स एवरीथिंग इन लाइफ। आप अगर किसी को भी मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आपका इंटेंशन प्योर है या आप उसमें अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं? अगर प्योर है तो आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हैं, और अगर आप अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं तो वी नीड टू चेक आवर मोटिव्स, ठीक है, कि हम सही में सही नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। फीड योर माइंड। अब हमें अपने ब्रेन को, यानी कि स्पिरिचुअल ब्रेन को, IQ और EQ ब्रेन को फीड करना है, उसको खाना देना है, फूड देना है। फूड क्या है? ब्रेन का फूड है अच्छी बातें, सत विचार, सद्भावनाएं, माने पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव एक्शंस, यानी ऑप्टिमिस्टिक रहना जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति, हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना। बी स्टिल एवरी डे, हर दिन कम से कम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट हमें स्टिलनेस प्रैक्टिस करनी है, यानी कि हमें शांति का एहसास रखना है, हमें अपने सोच विचार को स्टिल कर देना है, माने रोक देना है। कैसे? कैसे संभव है? वो कैसे संभव है? जब हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, अपने आप को एकाग्र करके शांति से बैठ जाते हैं और अपनी श्वास पे, यानी कि ब्रेथ पे फोकस करते हैं। बी स्टिल एवरी डे, डोंट नेग्लेक्ट योर मीट सूट, यानी कि जिन लोगों से हम रोज मिलते हैं, जिन लोगों जो लोग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, सबसे पहले हमारे फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, उन लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अप्रोच योर प्रैक्टिस विद प्लेफुलनेस। आपकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं पूरे दिन में, जो भी आपकी दिनचर्या है, उसको आप प्लेफुली कंप्लीट कीजिए, यानी कि आप इंजॉयमेंट के साथ बस कैजुअली उसको जिए। आप उसको बर्डन मत बनाइए, उसको स्ट्रेस मत बनाइए। वॉच फॉर साइंस। अब हो सकता है पूरे दिन में मेडिटेशन के टाइम पे, पूजा के टाइम पे, सोने से पहले या कोई और समय पे आपको कोई साइंस दिखे, कोई सिंबल्स दिखे,
तो अब आप उनको समझिए, उनके ऊपर चिंतन कीजिए, थिंक अपॉन दैट। परेशान मत होइए अगर कुछ नेगेटिव दिखा, बहुत ज्यादा ओवरवेलम भी मत होइए अगर बहुत पॉजिटिव दिखा। दोनों चीजों को बैलेंस करना है। आगे आप एक आगे आने वाले सीरीज में और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है जहाँ लाइफ में कैसे यिंग एंड यांग एनर्जी मैटर करती है, कैसे बैलेंस करना है। सो द टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सपेरिमेंट, जीवन एक एक्सपेरिमेंट है, ये जीवन की सच्चाई है। कितने लोगों ने केमिस्ट्री लैब में जाके केमिकल्स को मिला के कोई एक नया केमिकल निकाला या कोई एक नई चीज मिली, सो दैट वॉज एन एक्सपेरिमेंट। कहीं पे भी सेट फॉर्मूला नहीं है। हम लोग तो साइंटिस्ट लोग को फॉलो कर रहे हैं पर उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट करके ही ये निकाला है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे ही हमारा जीवन भी एक्सपेरिमेंट है। कहीं जाने से हमारा अच्छा हो सकता है, नहीं भी अच्छा हो सकता। किसी से मिलके, किसी से बात करके हमें शायद हो सकता है बहुत प्रॉफिट हो या हो सकता है नुकसान हो जाए। सो ये एक्सपेरिमेंट है, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। कभी समय अच्छा होता है, कभी समय खराब होता है। लोग अच्छे मिलते हैं, लोग खराब भी मिलते हैं। बट ये किस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह का टाइम हमारे जीवन में चल रहा है। नाउ कनेक्ट विद योर ट्राइब। अब ट्राइब का मतलब ये नहीं है कि हम आदिवासियों के साथ कनेक्ट करेंगे। ट्राइब का मतलब ये कि जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, हमें उनके साथ कनेक्शन मेंटेन रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी किसी ना किसी की जरूरत पड़ सकती है, उनके साथ की, उनके सपोर्ट की, उनके प्यार की, और उन्हें भी हमारी पड़ सकती है। सोसाइटी से हम दूर नहीं रह सकते, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू रिमेन कनेक्टेड विद द सोसाइटी। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी, जो आपने अभी स्लाइड में देखा था। एंड सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को देखने के बाद में, कि आप अपनी आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए स्टिलनेस प्रैक्टिस कीजिए। अपनी जीभ को अपनी तालू से लगाइए, अपनी सांस पे ध्यान दीजिए और सोचिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या मेरा इंटेंशन सही है। अगर किसी को चोट लगी है तो क्या मैं खुश हो रही हूँ या मुझे भी तकलीफ हो रही है। क्या मैं स्टिलनेस प्रैक्टिस कर रही हूँ रोज, अगर नहीं तो इसको सुनने के बाद से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और क्या मैं दिन भर में बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी लेती हूँ, या मैं हर चीज को कैजुअली कैजुअली मीन्स ये नहीं कि बस कोई वैल्यू नहीं है। कैजुअली का मतलब यहाँ पे ये कि प्लेफुल वे में लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइट लेके चलना है और उसको पूरे दिन को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी होते हैं। टिल देन नमस्ते एंड थैंक यू।